दूजे के वास्ते श्रवण, मैं अभी तक पहुंची नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं पहले ही निकल जाती लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। अपनी जिम्मेदारी है तो मना भी नहीं कर सकती। तुम वहाँ प्लीज मैनेज कर लोगे ना? कैन मैनेज तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ। मैंने अपने सारे काम कैंसिल किया शाम के लिए, लेकिन अभी ऐसा क्लियरली लग रहा है ना कि तुम्हारे काम मेरे काम से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन सुमन। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहा मैं। कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा हमारी दोनों फैमिलीज को। तुम अपना काम मैनेज करो। श्रवण बेटा, बात हुई सुमन से? पापा वो क्या है ना कि जिम्मेदारियां बढ़ी है तो काम भी बढ़ गया है। अभी कुछ जरूरी काम आ गए उसे तो थोड़ा देर लगेगी। आप सबसे माफी भी मांगी है। अरे नहीं नहीं, माफी किस लिए? इतनी मेहनत से इस जगह तक पहुंची है, उसको कहो कि दिल लगाकर काम करे। हाँ भाई, फौजियों के लिए तो ड्यूटी ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, और ऐसा होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ अंकल, इसीलिए जोया है वो सेलिब्रेट करते हैं। सुमन बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। हाँ, और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है। बीना जी आप केक कट कर लीजिए। चलो 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 कर लेते हैं। फरमाइश कर दीजिएगा, हम बना दिएंगे। वो कहना थोड़ा आपसे हमको डर भी लगता है। वो हमारा पेट अपनी बातों से ही भरता रहा। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। चाची हैप्पी बर्थडे। इसे सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे लास्ट में काम आ गया था। पता है मुझे, श्रवण ने बता दिया था। सॉरी, आप सबको सॉरी। आई नो, आप सबको बुलाकर मैं खुद ही। अरे बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, इसी बहाने हमने खाना तो खा लिया। हाँ अच्छा ठीक है, मैं सॉरी नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों को कुछ खिला तो सकती हो ना? आई नो आप सबने डिनर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके लिए अब जगह बना ही नहीं। ये है चाची की फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम। सुमन, मीठे के लिए ना जगह बनानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद बन जाती। खा लेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, बैठिए, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। अरे आइए ना, अब आइसक्रीम खा के जाइए, आइए प्लीज। नाराज हो मुझसे, लेट तो मैं थी। आई एम सॉरी। नाराज क्यों होऊंगा तुमसे?
मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे लिए ड्यूटी पहले और फैमिली इस बाद में है, तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर नाराज नहीं हो? फिर इतने रोड रोड क्यों हो तुम? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इसे रूम नहीं, नींद आना कहते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई बात नहीं, आज आराम कर लो, कल अच्छे से मना लूंगी। हम बना देते हैं। अरे झुमरी दीदी, आपके पराठे तो है ही कमाल के। कभी कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना घर वालों को अपने हाथ से खाना खिलाने का। अभी आप ये टेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा है जी। वो क्या? आटा लगा था, साफ हो गया। अब जब कभी कभी किचन में आओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक काम करो, तुम ना सबके लिए नाश्ता लगा लो, श्रवण के लिए मैं खुद लेकर जाऊंगी। देखो श्रवण, डियर वाइफ लेकर आई है गरम गरम नाश्ता अपने डियर हस्बैंड के लिए। श्रवण, श्रवण, फॉर्म भी नहीं है। आज तो भैया मजा आ गया नाश्ते में। क्या पराठे बने हैं? भाई साहब, आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट हैं। क्या बात है चुमरी, तूने तो आज सबको ही खुश कर दिया, बहुत टेस्टी बने। आज नाश्ता सुमन दीदी ने बनाया है जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत टेस्टी है तो। अरे जीती रहे, बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है तूने, मेरे तो दिल खुश हो गया। ले, इसी बात पे यही निकले जेब से। सच्ची बहुत टेस्टी बनाया भाभी, मजा आ गया। थैंक यू, अगली बार कुछ और भी ट्राई करो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे श्रवण नीचे नहीं आया? ले, मुझे लगा तुझे पता होगा। क्या? अरे वो सुबह सुबह कैंट चला गया है, बोला कि कोई कंपटीशन होने वाला है तो उसी की प्रैक्टिस करनी है। सच बताओ तो कल मैं काफी टेंशन में थी कि कैसा बनेगा, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया बंटी। अरे हम इतना कमाल कर दिखाएंगे, हमको खुद को कहाँ पता था, हम तो बस कड़ची चला देंगे और खाना बनता गया। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो परायों को बोलते हैं, पर हम तो फ्रेंड है ना तुम्हारे। अच्छा वैसे वो तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? एक्चुअली उसी के बारे में बताना था। ओके सो रेडी, मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया वाली खबर है। हमको पता था तुमको ही मिलनी थी। मतलब तुम हो ही इतनी स्मार्ट, होशियार, समझदार, खबरदार, यही तो बोलना बाकी था, वो भी बोल दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे आसानी से हम छोड़ नहीं देंगे, पार्टी तो चाहिए हमको। अच्छा जी, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी? अरे तारीफ सच्ची है, तभी तो पार्टी इतनी अच्छी है, और इतनी मस्त नौकरी मिली है तुम्हें, हम ऐसे कैसे तुमको पार्टी के बिना छोड़ देंगे हैं? ओके फाइन डन। पक्का? हाँ बाबा पक्का। अब जगह और टाइम में तुम्हें मैसेज करती हूँ। ओके हाँ ठीक है, बाय। जी वो क्या रिया है बंटी मिया? नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ मत जाना, कुछ तोहफा लेकर जाना बंटी मिया, ठीक है? और जे जे कपड़े तो सही लग रही है ना? नहीं नहीं, कुछ और पहन लूंगा, और बाल तो बढ़िया हैं, और परफ्यूम परफ्यूम भी लगाकर जाना है, यही है। बिल्कुल डेट वाली फीलिंग आ रही है ना? जी वो क्या रिया है बंटी मिया? Very good, Shravan. Keep it up.
क्या हुआ, रुक क्यों गया? श्रवण, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। सुमन, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। श्रवण, प्रैक्टिस मुझे भी करनी है, पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते क्या? How are you, Major Suman? मैं ठीक हूँ सर, मैं बस। Good। तो आप आई गई हैं, तो आज श्रवण के साथ एक मैच हो जाए, हमें भी तो जानने का मौके मिले कि हमारा अपोजिशन कितना स्ट्रांग है। Sure sir, no problem. Keep it up. Thank you, sir. मैंने कहा था ना सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। Well done. तुम वाकई में अपनी बात के पक्के हो। Thank you, sir. और मुझे लगता है कि मेजर सुमन भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और मेरे लिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ से बात करेंगे। I strongly believe. Thank you. कब से तुमसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारे लिए सुबह सुबह नाश्ता भी बनाया और तुम तो बिना बताए चले गए। सुमन, मुझे अभी एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है। श्रवण, सुन, बात सुन। क्या हो? ये क्या है? और बनाओ नाश्ता डिया हस्बैंड के लिए। पति को तो नाश्ते का स्वाद तक नहीं आया, उल्टा जिसने बनाया उसी को। खैर, तुमने तो मेरा बनाया हुआ नाश्ता चखा तक नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? सुन, अभी इसकी ड्रेसिंग नहीं हुई है। तो तुम फिक्र मत कर। और तुम बच्चों की तरह जिद मत करो, साथ चलो मेरे, चलो। अरे हाँ हाँ भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, भेज दे उसे। अरे वो मेरा दोस्त नहीं था विशाल खन्ना, याद है? वो रोहिणी वाले भाई साहब। हाँ, उसी का फोन था। वो कह रहे थे कि बिजनेस के सिलसिले में उसका बेटा अभिषेक भोपाल आ रहा है, वो चाह रहा था कि मैं उसको ख्याल रखूं। बहुत छोटे में देखा है उसे, अपने श्रवण के बराबर ही है ना? हाँ, उसी एज का होगा। जी। अरे यार राजेंद्र, मेरे मन में एक बात आ रही है। जी। देख, अवनी बड़ी हो गई है। जी। ये अभिषेक कैसे रहेगा अवनी के लिए? देख, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई भी फैसला लेने से पहले सबकी सलाह लेनी जरूरी है, तो एक बार रागनी मायके से आ जाए तो लड़के को घर पे बुला लेते हैं। जी भाई साहब। देखो क्या है कि बात करने में हमारा कुछ नहीं जाता है, श्रवण और सुमन भी घर पे रहेंगे और अब तो सुमन भी इस घर की सदस्य बन गई है ना, उसकी भी सलाह लेनी जरूरी है, क्यों? हाँ जी, वो तो ठीक है, मगर सबसे जरूरी बात ये है कि अवनी क्या चाहती है। क्या वो तैयार है लड़के देखने के लिए और शादी करने के लिए? जी बिल्कुल, क्यों, क्या बोलता राजेंद्र? जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब, आप घर के बड़े हैं और अगर आपने कोई फैसला कर लिया तो बस डन है जी। बस ठीक है, हो गई बात। दुख रहे हैं? तुम्हें किसने बोला था परांठे बनाने के लिए? तुम्हें पता है परांठों को सिर्फ गोल बनाने में कितनी मेहनत लगती है? ये देखो कि वो सही से पका है कि नहीं, कहीं से जला है कि नहीं, आसान नहीं होता। सबने घर पर कितनी तारीफ की, पापा ने तो गले तक लगाया, लेकिन जिससे सच में तारीफ सुननी थी उसको तो अलग ही अकड़ जाती है। वो अकड़ नहीं थी मैडम, प्रैक्टिस कर रहा था मैं सुबह से। हो गई ना प्रैक्टिस, अब खा लो। पर यार अभी तो आया हूँ सुमन। बस एक ही बाइट की बात है ना, बाद में खाने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि कामयाब शादी वो होती है जहाँ जहाँ एक पति अपनी पत्नी की हर बात सुने। अच्छे से याद है मुझे। करेक्ट, लेकिन उसमें एक एडिशन है, सिर्फ सुनता नहीं मानता भी। तुम्हें तो पता है ना श्रवण,
कि अब काम कैसा है और अब तो मेरा काम भी कितना बढ़ गया है. लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि काम बढ़ना वो एक बहाना नहीं हो सकता उसे प्रॉमिस तोड़ने का. इसीलिए अगर जब भी मैं तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस तोड़ू तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे. आई प्रॉमिस. अभी पूछ लूं क्या सुमन से? अरे किस सोच में गुम हो गए श्रवण? मैंने कहा ना तुमसे जब भी तुम मुझसे रूठोगे चाहे मैं कोई भी प्रॉमिस दूं मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगी. जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी. आई प्रॉमिस. सुमन एक्चुअली एक चीज है जो तुम कर सकती हो. हाँ वो मेरे सीईओ चाहते हैं कि तुम उनकी पोस्टिंग का लेटर दुआ सर के सामने पुश करो. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.